आज हम होमोजेनियस कैटालिसिस की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें हम एक नई रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसको हम जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन कह रहे हैं। तो होमोजेनियस कैटालिसिस में हमने एक ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ ली है, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और जहां पर आपने देखा था कि ओलिफिन जो है वो उसका हाइड्रोजिनेशन जब होता है तो वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है, एक्चुअल में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसे बीएससी 6 सेम में, लेकिन वहां पर मैकेनिज्म नहीं थी। दूसरा, जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ा होगा इससे पहले, वो आपने हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को लेके पढ़ा होगा। तो यहां पर पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है ओलिफिन्स का, वो कितने तरीके से हो सकता है, कितने तरीके के इसमें जो कैटालिस्ट हैं वो होते हैं। यहां पर आप देखेंगे जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है उसके लिए जिगलर एंड नाटा को 1963 में नोबेल प्राइज भी मिला है, और लगभग 15 मिलियन टन्स पॉलीथाइलिन एंड पॉलीप्रोपाइलिन जनरेट किया जाता है इस पॉलीमराइजेशन मेथड से। तो बहुत इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन है ओलिफिन्स का, जहां पर आप देखेंगे जो ओलिफिन्स हैं, ओलिफिन्स की इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा पॉलीमर, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आफ्टर जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन इट कन्वर्ट्स इनटू पॉलीमर, ये पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। तो एक जनरल सी रिएक्शन है जहां पर एक ओलिफिन एक पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। अगर हम जिगलर नाटा कैटालिस्ट को देखें तो मेन तीन तरीके के कैटालिस्ट यहाँ पर है। वन इज हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, अदर इज होमोजीनियस कैटालिस्ट, एंड द थर्ड वन इज नॉन मेटेलोसिन कैटालिस्ट। तो तीन मेन कैटालिस्ट है। अगर हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को देखेंगे, क्योंकि आप पहले ही हमने इनमें डिफरेंस बता दिया है कि जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है वो उसमें, और आपने होमोजीनियस में अंतर देख लिया है। और मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो होमोजीनियस कैटालिस्ट है वो सॉल्यूशन में, जो रिएक्शन मीडियम होगा उसमें वो सॉल्युबल होंगे, इसीलिए जो जो एक मीडियम है वो क्या होगा, एक सा होगा, यानी जो कैटालिस्ट है वो उस मीडियम में घुला हुआ है, तो वो होमोजीनियस कैटालिस्ट है। अगर हम हेट्रोजीनियस जिगलर नाटा कैटालिस्ट को देखेंगे तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज टाइटेनियम एंड वेनेडियम बेस्ड कैटालिस्ट। तो जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है उसमें टाइटेनियम हो सकता है, वेनेडियम हो सकता है, तो मेन जो कंपोजिशन है उसका क्या है, TiCl4 और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ये कंपोजिशन टाइटेनियम का, या फिर TiCl3 डाई इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो या तो हम ये कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं जो जिगलर नाटा पॉलीमर है, जो हेट्रोजीनियस होता है, उसका कंपोजिशन ये है। जब टाइटेनियम एज अ पॉलीमर, एज अ मेटल यूज होता है इस कैटालिस्ट में, और यहां से जो पॉलीमर मिलते हैं वो आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स होते हैं, और आइसोटैक्टिक क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। और दूसरा जो कैटालिस्ट होता है हेट्रोजीनियस, वो होता है वेनेडियम का, और वेनेडियम के कैटालिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर VCl4 है और डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक को कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो एक कैटालिस्ट बनेगा जो कि सिंटायटेक्टिक पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट किसका है, मेन टाइटेनियम एंड वेनेडियम, और प्लस एल्यूमिनियम का कंपाउंड है उसके साथ, तो वो दोनों मिलके एक कंप्लीट कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। और जो टाइटेनियम का कैटालिस्ट है इट फॉर्म्स आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स, और जो वेनेडियम का कैटालिस्ट है इट फॉर्म्स सिंटायटेक्टिक पॉलीमर। सेकंड जो कैटेगरी है कैटालिस्ट की जिगलर नाटा की, वो है होमोजेनियस कैटालिस्ट। एंड होमोजेनियस, जैसा मैंने आपसे कह दिया है कि होमोजेनियस कैटालिस्ट दे आर सॉल्युबल इन रिएक्शन मीडियम, तो ये जो कैटालिस्ट है जनरली दे आर मेटलोसिन बेस्ड कैटालिस्ट। तो ये इन्हीं की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम होमोजेनियस कैटालिसिस पढ़ रहे हैं, तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट हम होमोजेनियस के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो होमोजेनियस जो कैटालिस्ट है वो मेटलोसिन बेस्ड कैटालिस्ट है। तो मेटलोसिन को अगर हम देखें कि मेटलोसिन क्या होती है, तो मेटलोसिन जनरली क्या होती है, आपने पढ़ भी लिया है कि जहां पर साइक्लोपेंटाडाईनाइल एनायन होगा और उसके साथ क्या होगा, मेटल अटैच्ड होगा, और जनरली जो मेटल अटैच्ड होता है वो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है। तो इन जनरल आपने एक जनरल सा फॉर्मूला देखा था, C5H5 2SM, लेकिन इसके अलावा भी, ये एक तरीके का मेटलोसिन है, इसके अलावा मेटलोसिन की कैटेगरीज हैं। मेटलोसिन तीन तरीके के मेन होते हैं, एक होते हैं सैंडविच टाइप। सैंडविच टाइप अगर आप मेटलोसिन देखेंगे,
तो वो क्या होते हैं, सिमिट्रिकल और क्लासिकल होते हैं। सिमिट्रिकल और क्लासिकल मीन्स दो साइक्लोपेंटाडाईनाइल एनायन है और एक मेटल सेंटर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो मेटल सेंटर है, ये क्रोमियम भी हो सकता है, क्रोमोसीन जिसे हम कहते हैं। तो ये जो साइक्लोपेंटाडाईनाइल एनायंस की रिंग है वो आप देखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में एक मेटल सेंटर क्या होगा, सैंडविच होगा। क्योंकि ये साइक्लोपेंटाडाईनाइल है, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, ये एनायंस है, तो इस मेटल के ऊपर जनरली पॉजिटिव टू चार्ज होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो सैंडविच टाइप के जो जो मेटलोसीन्स हैं, वहां पर जो मेटल सेंटर है, जनरली मेटलोसीन्स में इट इज टू इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर सैंडविच है क्योंकि दो साइक्लोपेंटाडाईनाइल एनायन के बीच में एक मेटल प्रेजेंट है। दूसरे तरीके के जो मेटलोसीन्स हैं उनको हम बेंट कहते हैं, और बेंट में क्या होगा कि ये तो होगा ही, इसके अलावा कुछ और लिगेंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो बेंट हो जाता है, वो सैंडविच नहीं होता। कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो शेप है वो इस तरीके का हो जाएगा, बेंट टाइप, और दो रिंग्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगी और दो लिगेंड या एक लिगेंड वो इस तरीके से अरेंज हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साइक्लोपेंटाडाईनाइल एनायन है, ये इसके बेंट स्टाइल में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो लिगेंड या एक लिगेंड और आ गया है, इसलिए इस तरीके की मेटलोसीन्स को हम बेंट मेटलोसीन कहते हैं। और यहाँ पर हम इन्हीं का यूज ज्यादा देखेंगे, बेंट मेटलोसीन का, एज जिगलर नाटा कैटालिस्ट। फिर तीसरे तरीके की जो मेटलोसीन है उनको पियानो स्टूल कहते हैं। पियानो स्टूल का मतलब है कि इसमें देखिए दो ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तो ये रिंग है साइक्लोपेंटाडाईनाइल, और दूसरा क्या है, लिगेंड है। तो ये एक स्टूल की तरह एक्ट करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं आई थिंक मेटलोसीन्स में। तो ये तीसरी कैटेगरी है पियानो स्टूल टाइप। तो एक साइक्लोपेंटाडाईनाइल एनायन होगा और लिगेंड वन हो सकता है, टू हो सकता है, इस तरीके से ये पियानो स्टूल मेटलोसीन है। और इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है बेंट मेटलोसीन, जो कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट की तरह एक्ट करती है। तो होमोजेनियस कैटालिस्ट को अगर हम देखेंगे, वापस हम इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो आप ये देखिए Cp2MCl2, तो ये एक बेंट मेटलोसीन है। देखिए आप फॉर्मूला देख सकते हैं बेंट मेटलोसीन का, ये फॉर्मूला है, दो साइक्लोपेंटाडाईनाइल रिंग है और लिगेंड में भी वन और टू। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है दो तो सीपी टू है और एक एम, अगर एक सीपी होता एक सीएल होता तो वो पियानो होता, दो सीपी है और कोई और लिगेंड है तो इसका मतलब ये बेंट है। और इसमें जो मेटल सेंटर है, इट में भी टाइटेनियम, इट में भी जिरकोनियम और हॉफनियम। तो मेटलोसीन जो कि बेंट है, प्लस एल्यूमिनियम का ही कंपाउंड है, और इस एल्यूमिनियम के कंपाउंड को कहते हैं मिथाइल एल्यूमिनोक्सेन, MAO। तो क्या होगा कि मेटलोसीन प्लस MAO वो जुड़ेगा, तो वो एक होमोजेनियस कैटालिस्ट बनाएगा। जैसे आपने यहां पर भी देखा होगा कि जो TiCl4 है, जब ये एक मिथाइल या इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप के साथ एक ग्रुप जो है वो यहां जुड़ जाता था। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहां से एक CH3 जो है वो इस मेटल सेंटर को मिलने वाला है, इसलिए एक बेंट मेटलोसीन प्लस MAO मिथाइल एल्यूमिनोक्सेन, ये दोनों मिलके होमोजेनियस जिगलर नाटा कैटालिस्ट बनाएंगे। और यहां पर जो L या L डैश है, दे मे बी कार्बन कंटेनिंग लिगेंड हो सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग डोनर लिगेंड हो सकते हैं, या फिर हेलाइड्स हो सकते हैं। ये L जो है वो हेलाइड भी हो सकता है, कार्बन डोनेटिंग हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन डोनर एटम वाला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनोसिन डाइक्लोराइड, देखिए नाम कैसा हो जाएगा, ये जो पार्ट है MCP2, ये तो मेटलोसिन है, तो अगर ये टाइटेनियम है मेटल, तो ये तो टाइटेनोसिन है और डाइक्लोराइड है, दो क्लोराइड और जुड़ गए। तो इस तरीके से हम इन बेंट मेटलोसिन का नामकरण देते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो नॉन मेटलोसिन कैटालिस्ट है, जहां पर मेटलोसिन नहीं है लेकिन वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो जैसे ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस है, लेंथेनॉइड्स के हैं, एक्टिनॉइड्स के हैं, जहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर वाले लिगेंड होंगे, डोनर एटम वाले, प्लस MAO अगर कर देंगे, तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाएगी नॉन मेटलोसीन कैटालिस्ट। लेकिन यहां पर जो जो होमोजेनियस कैटालिस्ट की तरह हम देखने वाले हैं वो है मेटलोसीन बेस्ड कैटालिस्ट, और स्पेशली वो जो मेटलोसीन बेस्ड है वो है बेंट मेटलोसीन प्लस MAO, वो करने वाला है जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है उसको करेगा। तो होमोजेनियस कैटालिस्ट के बारे में दिया है कि जनरली होगा क्या कि जो जो इस मेटलोसीन में जो ये जो सब्स्टिट्यूटेड L एंड L डैश ग्रुप्स हैं, ये पॉलीमर के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं।
ये जो एल और एल डैश है, ये पॉलीमर कितना लंबा होना है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। ओके तो पॉलीमेरिक चेन में जो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है पॉलीमर की, जब पॉलीमर बन जाएगा तो वो किस पर डिपेंड करेगी, जो चेन लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगी जो पॉलीमर बनेगा। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे इसको, तो मैंने आपसे दूसरा कहा कि ये जो मेटलोसीन्स जो पॉलीमर फॉर्म करते हैं वो कर रहे हैं, तो वो जनरली टफ होते हैं और इस इलास्टोमेरिक होते हैं नेचर में, इजीली हीटेड होते हैं, एक्सीलेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। जो मेटलोसीन बेस्ड पॉलीमर होते हैं, यानी जो होमोजेनियस कैटलिस्ट के थ्रू जो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा, उन पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टी होगी, दे आर टफ, दे आर इलास्टोमर्स एंड दे आर इजिली हीटेड, एक्सीलेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उनकी होगी। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज होगी। और बहुत अच्छी जो एक प्रॉपर्टी है वो मेन ये है कि दे जनरली फॉर्म आइसोटैक्टिक एंड सिनडायटैक्टिक पॉलीमर्स। ये सिनडायटैक्टिक या आइसोटैक्टिक पॉलीमर बना सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि साइक्लोपेंटाडाईनाइल लिगेंड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का पॉलीमर फॉर्म करेंगे। अब हम देखेंगे कि पॉलीमर में आइसोटैक्टिक क्या होता है और सिनडायटैक्टिक क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे आइसोटैक्टिक पॉलीमर को, तो आप देखिए यहाँ पर जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनके अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आइसोटैक्टिक पॉलीमर एंड सिनडायटैक्टिक पॉलीमर। यहाँ पर आप देखिए ये CH3 ग्रुप है, इस कार्बन एटम से जो अटैच्ड CH3 ग्रुप है प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर है, यहाँ पर जो CH3 अटैच्ड है वो भी प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है, यहाँ पर जो CH3 अटैच्ड है वो भी प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है प्लेन, और यहाँ पर भी अटैच। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ग्रुप्स अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप्स, तो वो जो है वो एक प्लेन में है सारे के सारे। तो इस तरीके के पॉलीमर को कहेंगे आइसोटैक्टिक पॉलीमर। लेकिन अगर ये जो क्रम है, जो ग्रुप्स के अरेंजमेंट का क्रम है, अगर ये अल्टरनेटिव हो तो आप इनको क्या कहेंगे, सिनडायटिक। जैसे आप कहेंगे कि ये देखिए प्लेन ऑफ अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये वाला CH3 ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, फिर इसके बाद जो है वो अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, फिर ये इसके बाद जो है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहां पर क्या होगा कि जो एल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट प्लेन्स अल्टरनेटिवली, तो ये सिनडायटैक्टिक है। और तीसरे तरीके का एक और पॉलीमर होता है वो एटैक्टिक होता है, जहां पर आप देखेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है ये कहीं पर भी होगा, ये नहीं जरूरी है कि अल्टरनेटिव में हो या एक उसका कंटिन्यूअस अरेंजमेंट हो, वो कहीं पर भी कुछ भी तरीके का ग्रुप जुड़ जाएगा अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, वो एटैक्टिक पॉलीमर्स होते हैं। तो ये जो जिनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है वो पॉलीमर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये पॉलीमर जो है वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई, जनरली आइसोटैक्टिक पॉलीमर सबसे अच्छे पॉलीमर है और फिर सिनडायटैक्टिक है, और जितना अच्छा इनमें रेगुलरिटी होगी उतना अच्छा वो पॉलीमर माना जाएगा। ओके तो मेटलोसिन्स जो है वो जनरली लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन जनरेट करते हैं जो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। तो मेटलोसिन्स की प्रेजेंस में जो भी पॉलीथाइलिन बनेगा वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। ओके अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें जिगलर नाटा, अब हम होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, तो अगर होमोजेनियस कैटलिस्ट की हम मैकेनिज्म देखें, तो आप देखेंगे ये एक, आपने देखा कि ये एक कैटलिस्ट है जिसे हम कैटलिस्ट तो नहीं करते, एक्चुअली इट इज प्री कैटलिस्ट, ये प्री कैटलिस्ट है क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करता है, ये जब MaO के साथ मिलेगा तब ये कैटलिस्ट बनाएगा एक्चुअल में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो MaO है इसका काम क्या है, ये जो CH3 ग्रुप है ये इसको डोनेट करता है। अब आप देखिए यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ गया है और ये एक्टिव जो कैटलिस्ट है, ये एक्टिव स्पीसीज है कैटलिस्ट की, आप देख सकते हैं अब ट्राई कोऑर्डिनेटेड हो गई है, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो गई होगी, यानी इसके पास एक वेकेंट साइट होगी। तो ये इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं जहां पर ग्रोथ होनी है, मतलब पॉलीमराइजेशन होना है, वहां पर एक सेंटर क्या होना चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए जो कि वेकेंट हो। उस वेकेंट सेंटर में फिर क्या होगा कि जो जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पर अटैक करने वाला है, तो इसलिए ये एक्टिव स्पीसीज नहीं है। जब ये MaO के साथ मिक्स होगी तब जाके ये एक एक्टिव कैटालिस्ट बनाएगा। तो ये जो पहला स्टेप है इट इज एक्टिवेशन ऑफ कैटालिस्ट। तो पहले स्टेप में क्या होगा, कैटालिस्ट का एक्टिवेशन होगा और ये कैटालिस्ट अब एक्ट करेगा बिकॉज इट हैज अ वैकेंट साइट।
दूसरा जो स्टेप है वो क्या होगा, इंसर्शन ऑफ ऑलिफिन। अब ये जो कैटालिस्ट बन गया, एक्टिव कैटालिस्ट, अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर एक वैकेंट साइट बन गई है, तो यहां पर ये एक्टिव जो जो कोऑर्डिनेशन है इस ऑलिफिन का, जिसका हमें क्या करना है, जिसका हमें पॉलीमराइजेशन करना है, वो ऑलिफिन इस जगह पर जुड़ेगी। और ये जब जुड़ जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन। तो ये एक लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इट विल माइग्रेटरी इंसर्ट। तो ये माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, और माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद ये जो ग्रुप है वो यहां ऐड हो गया, बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, तो ये यहां पर अटैच हो गया, और अगेन यहां पर एक वेकेंट साइट प्रोवाइड कर दी इसने। फिर से क्या होगा, इस वेकेंट साइट पर फिर से इस ऑलिफिन का कोऑर्डिनेशन होगा, फिर कोऑर्डिनेशन हो गया, फिर ये जो ग्रुप है ये फिर से क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्ट होगा, और यहां पर फिर से एक वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी। देखिए एक वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी, और वैकेंट साइट क्रिएट ये माइग्रेटरी इंसर्ट होगा, तो यहां पर एक वैकेंट साइट, फिर से एक वैकेंट साइट बन गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो प्रोपागेशन है, पॉलीमराइजेशन बढ़ता चला जाएगा, जब तक ये प्रेजेंट होगा जो ऑलिफिन है जिसका पॉलीमराइजेशन करना है, या फिर जब तक हम कोई टर्मिनेटिंग प्रोसेस ना कर दें, तब तक ये ग्रोथ ये बढ़ता जाएगा जो पॉलीमर है, और यहां पर एक वैकेंट साइट क्रिएट होती जाएगी जहां पर आने वाला जो ऑलिफिन है दैट विल कोऑर्डिनेट। ये जो ऑलिफिन है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा इसका, पॉलीमराइजेशन का टर्मिनेशन स्टेप या टर्मिनेशन रिएक्शन। टर्मिनेशन जो है वो दो तरीके से होता है मेन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, माइग्रेटरी इंसर्शन। तो माइग्रेटरी इंसर्शन का जो अपोजिट है वो होता है एलिमिनेशन, बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन है, तो क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। तो जो लास्ट स्टेप होगा, जो टर्मिनेशन स्टेप होगा, वो क्या हो सकता है, या तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो सकता है क्योंकि वहां पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या फिर डिटैचमेंट ऑफ पॉलीमर चेन। तो आप ये देखिए, मान लीजिए ये पॉलीमर बन गया था, ठीक है, ये पॉलीमर बन गया, और इस ये जो लास्ट ऑलिफिन बचा हुआ है, ये ऑलिफिन क्या करेगा, ये ऑलिफिन जो है जब इसके साथ अटैच होगा तो फिर फाइनली ये एक कंपाउंड दे देगा, ये फाइनली जुड़ के, या यहां से आप कह सकते हैं कि एक CH2Cr इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे आपने देखा था कि CP2Zr प्लस और CH3 बना था, ऐसे ही फाइनली अब हमारे पास इस CH3 की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, CH2Cr। तो ये CP2Zr, ये प्रोडक्ट एक हमें मिल गया, और बाकी हमें क्या मिल गया, रिएक्टेंट जो पॉलीमर है वो हमें मिल जाएगा। दूसरा जो टर्मिनेशन रिएक्शन मेथड है वो है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में आप देखेंगे ये जिरकोनियम के साथ ये अल्फा हाइड्रोजन जुड़ी है, ये बीटा हाइड्रोजन जुड़ी है, ठीक है, तो यहां से एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगी, और ये जो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगी ये इस जिरकोनियम के साथ जुड़ जाएगी, बीटा हाइड्राइड है तो ये हाइड्राइड क्या करेगा, इस जिरकोनियम के साथ जुड़ जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, देखिए CH2 डबल बॉन्ड R, और बाकी ये चेन में क्या रह जाएगा, N-1, क्योंकि एक हमने यहां पर दिखाया है, और N-1, और ये क्या मिल जाएगा, हमें पॉलीमर मिल जाएगा। तो देखिए दोनों ही केस में हमें सेम पॉलीमर मिले हैं, तो पॉलीमर के टर्मिनेशन का है तो डिटैचमेंट हो जाए, जो पॉलीमर एनायन है वो पूरा कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाए, ठीक है, ये पोर्शन, या फिर जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीटा हाइड्राइड जो यहाँ पर बीटा पोजीशन पर जो हाइड्राइड है वो एलिमिनेट होके इससे जुड़ जाए, और जो पॉलीमर है वो क्या हो जाए, डिटैच हो जाए। तो इस तरीके से जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है वो होमोजेनियस कैटालिस्ट कैसे करता है वो आपने देखा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि ये जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है, ये मैंने आपको बताया कि अगर हम इसका जिस्ट देखें तो हम देखेंगे कि जिगलर नाटा जो पॉलीमर है वो तीन तरीके का कैटालिस्ट होता है जिससे पॉलीमर है, हेटरोजीनियस, होमोजीनियस एंड नॉन मेटलोसीन। तो यहां पर हमने जो डिस्कस किया है वो होमोजीनियस कैटालिस्ट यूज किया, उसमें भी हमने बेंट मेटलोसीन डिस्कस की है, जिसमें हमने देखा कि ये बेंट मेटलोसीन जनरली इट कैन फॉर्म आइसोटैक्टिक और सिंडायटैक्टिक पॉलीमर्स, ये बनाते हैं। और अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो पहला जो स्टेप है वो एक्टिवेशन होगा कैटालिस्ट का, जिससे कि वैकेंट साइट प्रोवाइड हो, देन इंसर्शन ऑफ ऑलिफिन यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑलिफिन होगा इस वैकेंट साइट पर और होता चला जाएगा, और पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, देन टर्मिनेशन रिएक्शन होगी जहां पर आप देखेंगे कि जो पॉलीमर बना है वो डिटैच हो जाएगा, या बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट स्पेशली
बेंट मेटलोसीन। तो बेंट मेटलोसीन की प्रेजेंस में जो ओलिफिन है उसका पॉलीमराइजेशन होता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन एंड जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दूसरी रिएक्शन को लेते चलेंगे, दैट इज हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे होमोजेनियस कैटालिस्ट एक्ट करते हैं इन हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो ये क्लियर है आप?